Morning students, today we are going to discuss the problem based on Heron's formula. Let's come to the problem number 1. ठीक है, question number 1 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of clothes of two different colors. तो basically कहा गया कि किसी भी umbrella को क्या किया गया है, बनाया गया है किस तरीके से, two different color के clothes को use करके 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर ये कह रहे हैं ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. जो है डिफरेंट जो भी ट्रायंगुलर पीसेस थे वो उनके ट्रायंगुलर पीसेस के साइड्स गिवन हैं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड अगेन 50 सेंटीमीटर. तो कह रहे हैं हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. कह रहे हैं कि अम्ब्रेला के मेकिंग में, अम्ब्रेला को बनाने के लिए जो है ईच कलर के लिए, मतलब दोनों कलर्स के कितने क्लोथ की रिक्वायरमेंट हमें हुई है, कितने क्लोथ का यूज हुआ है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एरिया ही फाइंड आउट करना है. तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर एहरॉन्स फार्मूला का यूज कर रहे हैं. तो बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर यहीं पर बनता है. अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों कहा क्या गया है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं टू डिफरेंट कलर के. ठीक है, यहां से अगर देखिए तो क्या चीज कही जा रही है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं टू डिफरेंट कलर के, कलर नंबर 1 और कलर नंबर 2. तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5 कलर, 1 कलर के 5 पीसेस हो जाएंगे और 2 कलर के, सेकंड वाले कलर के 5 पीसेस हो जाएंगे. तो टोटल जो है 5 पीसेस 1 कलर के हो गए, अनदर 5 पीसेस अनदर कलर के हो गए. तो बेसिकली यहां से हमको ये चीज समझाने को थी आपको, इसलिए मैंने यहां से बोला. तो क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको बताना होगा कि देयर आर 10 ट्रायंगुलर पीसेस, 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ टू डिफरेंट कलर्स. तो हम कहेंगे कि देयर फोर 5 ट्रायंगुलर, और दोनों ही कलर के जो साइड्स, जो भी दोनों ही कलर के साइड्स यूज हुए हैं ट्रायंगुलर शेप के, दोनों ही कलर्स की जो है साइड्स क्या है, सेम है. तो देयर फोर 5 ट्रायंगुलर ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीस ऑफ वन कलर, पीस ऑफ वन कलर एंड अनदर फाइव पीस ऑफ अनदर कलर. ठीक है, ये चीज हमको आपको बतानी थी इसलिए हमने आपको बता दी. अब चलिए इसके सोल्यूशन पे आते हैं. ठीक है, पहली चीज जो इस क्वेश्चन में दी हुई है वो 1 ट्रायंगुलर पीस का क्या दिया हुआ है, 1 ट्रायंगुलर पीस के साइड दिए हुए हैं. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या यूज करना होता है आप लोगों को, हीरोन्स फॉर्मूला. तो उसके लिए हमको सेमी पैरीमीटर चाहिए होता है. तो हमने कह दिया कि सेमी पैरीमीटर ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस. ठीक है, एक ट्रायंगुलर पीस का सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2. यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा 120 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 1 ट्रायंगुलर पीस का जो सेमी पैरीमीटर है वो आपको क्या मिल गया, 60 सेंटीमीटर. अब उसी तरीके से अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब एरिया की बात आती है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि जो है अम्ब्रेला की मेकिंग में ईच कलर की कितनी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ईच कलर के क्लोथ की कितनी रिक्वायरमेंट है. तो उसका मतलब हम लोगों को यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है एरिया. ठीक है, तो हमने कह दिया कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, अगर हम S की बात करते हैं तो S के प्लेस पे आपके पास क्या है बच्चों, 60 माइनस A के प्लेस पे 50 माइनस B के प्लेस पे 50 और अगर अनदर 60 माइनस आपके पास क्या था, 20. ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40. ठीक है, अब इसे हमें फैक्टराइज करना है. तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 6 लिख सकते हैं,
और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 into 10, और 40 को हम बच्चों लिख सकते हैं 10 into 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो पेयरिंग कर देंगे, पेयरिंग के लिए हमको क्या मिल गया, ये 10, ये 10, ये दोनों 10, और ये 4 का बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखिए क्या मिल गया, इस तरीके से आपको मिल गया 10 into 10 into 2, और ब्रैकेट रूट में आपके पास 6, रूट 6 था, तो मिल गया 10 × 10 = 100, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वन ट्रायंगुलर पीस की एरिया आपको बच्चों क्या मिल गई, वन ट्रायंगुलर पीस की एरिया आपको मिल गई 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या चीज़ पूछी जा रही है, हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को बनाने के लिए एक कलर के कितने क्लोथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब आपको पता है कि एक कलर के कितने पीसेज हैं, आपके पास पता है, आपको पता है कि वन कलर के यहाँ पर 5 पीसेज यूज हुए हैं। ठीक, और वन ट्रायंगुलर पीस की एरिया यहाँ पर कितनी निकली, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने कह दिया कि अब आपको क्या पता करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर पीसेस इज इक्वल्स टू 5 × 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप यहाँ देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको क्या चीज़ मिल गई, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से बेटा ये निकला कि 5 ट्रायंगुलर पीसेस की एरिया इतनी हो गई। इसका मतलब कि एक कलर के का वन कलर सपोज करो कि रेड कलर है और ग्रीन कलर है, तो रेड कलर का टोटल इतना क्लोथ यूज हुआ क्या करने के लिए, अम्ब्रेला को बनाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट अम्ब्रेला को नेक्स्ट कलर का भी क्या होगा, इतना ही यूज होगा, क्योंकि हमको पता है कि दोनों के साइड्स इस क्वेश्चन में क्या है, सेम दिए हुए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। कहते हैं बच्चों ये क्वेश्चन में, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ द साइड ए। ठीक, फिर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो क्वेश्चन में पहली चीज जो कही गई है, पहला स्टेटमेंट वो ये है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है, जिसका साइड ए है उस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है, उसकी पहले आपको एरिया बतानी है किस चीज़ से, बाय यूजिंग हिरोन्स फार्मूला, हिरोन्स फार्मूला को यूज़ करके। बाद में ये चीज़ कह रहे हैं कि अगर उस ट्रायंगुलर जो भी ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाए तब उस सिग्नल बोर्ड की एरिया क्या होगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन नंबर 2 है, इसका जो है इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। पहला एक क्वेश्चन ये बना है और बाद में इसका सेकेंड पार्ट ये बना हुआ है। ठीक है, तो कभी इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में लेकर के नहीं चलना है आपको। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन का समझा जाए मीनिंग, तो क्या चीज़ समझाने की कोशिश की गई यहाँ से ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन पे आते हैं, सपोज करिए कि कोई ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इस टाइप का है। ठीक, ये आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ए बी सी। ठीक है, कह रहे हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब बच्चों इनके साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इनका हमें क्या बताना है, सिग्नल बोर्ड की एरिया बतानी है यूजिंग हिरोन्स फार्मूला। हिरोन्स फार्मूला का यूज़ करके अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो देखिए पहली चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो आपका क्या चीज़ है, हमको पता है कि हम लोग सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, सेमी पैरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स अपॉन 2, मीन्स ए प्लस ए अपॉन 2। तो यहाँ से हमें s इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3a अपॉन 2। ठीक है, सेंटी ये यूनिट कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है, यूनिट, ठीक है, क्योंकि a ही यहाँ पर गिवन है। ठीक, अब यहाँ से सेंटीमीटर कर देते हैं, या तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, आपसे कहा जाए एरिया फाइंड आउट करने को, तो एरिया इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, s s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, s के प्लेस पे 3a अपॉन 2। ठीक, फिर इसी तरीके से 3a अपॉन 2 माइनस a, फिर इसी तरीके से, क्योंकि जितने भी साइड्स हैं सबकी वैल्यू a है, 3a अपॉन 2 माइनस a, फिर अनदर 3a अपॉन 2 माइनस a, ये चीज़ हमको मिल गई। अब दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या मिल जाएगा, 3a अपॉन 2
मल्टीप्लाइड बाय 3a हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, फिर इसी तरीके से 3a माइनस 2a अपॉन 2, फिर इसी तरीके से 3a माइनस 2a अपॉन 2, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए तो आपको मिलेगा क्या चीज़, 3a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन 2। ठीक है, हाउ मेनी a's आर हियर, 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब यहाँ से a स्क्वायर, और उसी तरीके से अगर देखिए तो 1, 2, 3, 4 इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, 4 बाहर आ गया। अब अंडर रूट में अगर आप देखिए तो आपके पास केवल 3 बच रहा है, तो यहाँ से हमको क्या चीज़ मिल गई, हमें मिल गया कि रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट इसकी क्या मिल गई हमें, स्क्वायर यूनिट इसकी हमें मिल गई एरिया बाय हीरोंस फॉर्मूला इस ट्रैफिक सिग्नल की। ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आपसे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि इफ़ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस ट्रैफिक सिग्नल का पैरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो कह रहे हैं देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल, तब जो है इस सिग्नल की एरिया क्या होगी। तो ध्यान से समझिए, पैरीमीटर फिर कह रहे हैं अगेन, सेकेंड पार्ट इसका है, अगर हमने कह दिया अगेन पैरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो मीन्स यहाँ से कहा गया कि पैरीमीटर मतलब ए प्लस ए प्लस ए, आपको पता है कि आप तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ से देखिए 3a इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 180, और यहाँ से अगर आप बच्चों देखो तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 60, यहाँ से आपको मिल गई साइड। ठीक है, 60 सेंटीमीटर क्या मिल गई, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस केस में आपको क्या बतानी है, इस केस में आपको एरिया बतानी है, तो आप कह देंगे कि देयर फोर एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 होता है, तो मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 × 60/4, और इसे सॉल्व करके आप हमें क्या बताने वाले हैं, आंसर बताएंगे क्लासरूम में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं ये सब। कह रहे हैं इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 एंड द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 52 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर साइड इज। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन में, लेट्स कम टू द सोल्यूशन। क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो साइज है वो किसके रेशियो में है, 1:2, 1:3, 1:4। कह रहे हैं कि ये उस ट्राइंगल का पैरीमीटर आपके पास गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड। ठीक है, तो अगर यहाँ से बच्चों आप देखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, हमने कह दिया कि लेट द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बी क्या हो जाएगा 1/2x, हमने सपोज कर लिया 1/3x और 1/4x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या चीज़ कही जा रही है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पैरीमीटर ट्राइंगल का गिवन है, तो देयर फोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2x + 1/3x + 1/4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से बेटा देखो तो यहाँ से आपको ये क्या चीज़ मिल जाएगी, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको आई थिंक 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो हमारे हिसाब से ये आपको 12 मिलना चाहिए। ठीक है, 12 अगर यहाँ से मिला तो 2 सिक्सा आपको यहाँ से 2 सिक्सा 12, 6x हो गया ये, 3 ये 4x हो गया, और आपके पास ये 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 52 हो गया। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट 10x + 3x = 13x / 12 इज इक्वल टू यहाँ से 52 मिल गया हमको, और यहाँ से अगर आप देखिए तो 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, और यहाँ से अगर बच्चों देखो तो आपको क्या मिल जाएगा x = 12 × 4, मीन्स दिस विल इम्प्लाइज दैट x = 12 × 4 = 48 सेंटीमीटर हमें मिला। अब यहाँ से इसके साइड्स क्या हो गए, साइड्स आर क्या क्या साइड हो गए, 1/2x, 1/3x
वन अपॉन फोर एक्स, डेफिनेटली स्मॉलर साइड है तो हम लोगों को इस साइड को फाइंड आउट करना है. तो वन अपॉन टू 48, वन अपॉन थ्री इंटू 48 एंड वन अपॉन फोर इंटू 48. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपको क्या मिल गया, 3 × 1 = 3 और 16 सेंटीमीटर. और यहाँ से देखिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर. तो स्मॉलर साइड क्वेश्चन में पूछा गया था, तो दिस विल बी द स्मॉलर साइड ऑफ द ट्राइंगल. नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल मेजर 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. कह रहे हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का बेस जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो आपके पास है द बेस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सपोज करिए कि ट्राइंगल एबीसी है आपके पास, इस ट्राइंगल एबीसी का बेस जो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अनदर टू साइड्स गिवन नहीं है. यहाँ पर एक अनदर क्लू गिवन है, दैट इज एरिया. एरिया इज इक्वल टू यहाँ से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. बट यहाँ से अगर आप देखिए तो आपके पास अनदर साइड गिवन नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द अनदर साइड्स बी ए सेंटीमीटर. ध्यान से सुनो, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ना, आइसोस्केल्स ट्राइंगल का मतलब हो गया टू साइड्स इक्वल हो गए. तो हमने सपोज कर लिया कि इक्वल साइड्स क्या है, ए सेंटीमीटर है. ठीक है, आप एक सेंटीमीटर कुछ भी अननोन सपोज कर सकते हैं, ए सेंटीमीटर. अब देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से. पहली चीज़ तो एरिया गिवन है, तो हमको इसको एरिया के टर्म्स में सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. अगर हीरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से हम इसका पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उस एरिया को इस एरिया से इक्वेट करेंगे, तब हमको ए की वैल्यू पता चलेगी. ठीक है, अब उसके लिए हम लोगों को पहली चीज़ जो फाइंड आउट करनी है, दैट इज सेमी पैरीमीटर एस. ठीक है, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन टू. तो यहाँ से s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस 24 अपॉन 2, दैट इज a प्लस ए 2a प्लस 24 अपॉन 2. और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये कैंसिल होकर के आपको मिलेगा a प्लस 12 सेंटीमीटर. इसका जो बेसिकली क्या चीज़ मिल गया, इसका सेमी पैरीमीटर आपको मिल गया a प्लस 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ध्यान से समझना. अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको बेसिकली करना क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करना है. ठीक है, एरिया क्या गिवन है, एरिया इज इक्वल्स टू गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, ये चीज़ गिवन है. अब एरिया यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से देखिए एरिया आपके पास है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एरिया है और ये कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, अब यहाँ से बच्चों देखो तो एस के प्लेस पे क्या है, ए प्लस 12. ठीक, अब एक साइड यहाँ से देखिए, एक साइड ए है तो हमने कह दिया s के प्लेस पे a प्लस 12 पुट किया और माइनस a, फिर s के प्लेस पे a प्लस 12 माइनस a, s के प्लेस पे a प्लस 12 और माइनस 24 c के प्लेस पे इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू. यहाँ से अगर बच्चों देखो तो आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, यहाँ से देखिएगा तो a प्लस 12 ये हो गया a प्लस 12. ठीक, ये a कैंसिल हो गया तो मिला 12, ये a कैंसिल हो गया तो मिला 12. और उसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ से देखिए तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद a माइनस 12 इज इक्वल टू आपको मिला 60. ठीक, अब देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक जो इजी टेक्निक का यूज़ करना है, वो टेक्निक ये है कि आप बोथ साइड में क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इससे तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इजी हो जाएगा. अब जब दोनों साइड स्क्वायर किए तो अंडर रूट का मतलब पावर होती है 1/2, स्क्वायर कर दिए तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपकी पावर 1 हो गई. तो यहाँ से स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपको मिलेगा a प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू 12. और इधर स्क्वायर कर दोगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर मीन 60 इंटू 60 हो गया आपके पास. ठीक है, अब ध्यान से देखिए 12 1 = 12, 12 5 = 60, 12 1 = 12, 12 5 = 60.
दिस विल इम्प्लाइज दैट ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी और आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू 5 5 आपको मिल जाएगा 25। और यहाँ से अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक आपको मिलेगा 169। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू आपके पास दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 13। बट यहाँ से क्या हो गया, साइड्स कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, तो देयर फोर यहाँ से हो गया ए इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो आपको मिल गया कि ए इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया बच्चों, 13 सेंटीमीटर इसका एक साइड मिल गया। ठीक है,